क्या होगा? बहुत दर्द हो रहा है। मुझे भी बहुत हुआ था जब तुमने सबके सामने ये कहा था कि माँ बाप का पता नहीं और मुझसे शादी करने के ख्वाब देख रहा। तब से मैंने सोच लिया था कि अगर तुम मेरी नहीं हुई तो मैं तुम्हें किसी की नहीं होने दूंगा, किसी की भी नहीं। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया, हमेशा। जानती हो बचपन में जब सारे बच्चे छुट्टियों में अपने माँ बाप के साथ घर जाते थे तो मैं अकेला हॉस्टल में रहता था, कोई नहीं था मेरा। बहुत रोना आता था। पर जाता भी किसके पास? और फिर तुम मिले। मुझे लगा मुझे सब कुछ मिल गया, सब कुछ, प्यार, बातें करने के लिए कोई दोस्त। लेकिन तूने क्या किया? तूने मेरी फीलिंग का मजाक उड़ाया। क्या कहा था तूने? तूने कहा था कि मैं चींटी भी नहीं मार सकता, है ना? सही कहा था, मैं चींटी भी नहीं मार सकता। लेकिन 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 तेरे बाप को किसने मारा? किसने मारा पता है? मैंने मारा तेरे बाप को। मैंने कहा था उनसे, मैंने कहा था अंकल, अंकल प्लीज मेरी शादी कोमल से करवा दो अंकल, प्लीज। मैं बहुत गिड़गिड़ाया उनके सामने। मैंने कहा मैं कोमल से बहुत प्यार करता हूं अंकल, प्लीज मेरी शादी कोमल से करवा दो। लेकिन जानती हूं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि खानदान और माँ बाप का पता नहीं और हमसे रिश्ता जोड़ने चला है। और जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि तेरे जैसे आदमी का तो हम अपने कुत्तों से भी ना शादी करवा रहे, पता नहीं तुम जैसे हरामी लोग कहां से आ जाते हैं। और जब मैंने ये सुना ना, कसम से मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने उनका गला पकड़ा, दबाता रहा और तब तक दबाता रहा जब तक कि उनकी सांसें बंद ना हो गई। अब तुम्हारी बारी है, या तो तुम मेरे से शादी करेगी या फिर मैं मरेगी। पांच मिनट है तेरे पास, सोच ले, शादी